हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके पास इस वीडियो में लेके आए हुए हैं राजनीतिक से रिलेटेड कुछ जानकारियां। मोदी सरकार 2020 का पूरा मंत्रिमंडल और उनके विभाग के बारे में है। अब ये इसमें आपको क्या-क्या बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे तथा वे सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, इन सभी विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं कि किस विभाग किस को दिया गया है। आइए नंबर 1 देखते हैं, श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। वो 2000 से 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन में कृषि मंत्री रहे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवगठित सरकार में 26 मई 2040 को श्री राजनाथ सिंह ने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में शपथ ली है। वे 2019 तक रहे। दूसरी बार मोदी सरकार में रक्षा मंत्री बने। जो सेकंड मंत्री हैं वो हैं श्री अमित शाह, गृह मंत्री। वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं तथा वर्तमान में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद हैं। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में गृह मंत्री के पद पर रहते हुए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया। थर्ड है श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। नितिन गडकरी भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। इससे पहले 2010 से 2013 तक वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 52 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले वे इस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। फोर्थ है श्री डीवी सदानंद गौड़ा, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। डीवी सदानंद गौड़ा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित भारतीय राजनीतिक हैं। वे 2009 में हुए आम चुनाव में कर्नाटक के उडुपी चिकमंगलूर चुनाव क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुए हैं। फिफ्थ नंबर पे श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री। सितंबर 2017 से मई 2019 तक वे रक्षा मंत्री थी और उससे पहले वे भारत की वाणिज्य और उद्योग स्वतंत्र प्रभार तथा वित्त व कॉर्पोरेट मामलों की राज्य मंत्री रह चुकी हैं। सिक्स श्री रामविलास पासवान, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। श्री पासवान जी पिछले 32 वर्षों में 11 चुनाव लड़ चुके हैं और उनमें से 9 जीत चुके हैं। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार 17वीं लोकसभा में उन्होंने मोदी सरकार में एक बार फिर से उपभोक्ता मामलात मंत्री पद की शपथ ली। श्री पासवान जी के पास 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड भी है।
सातवें हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। तोमर पहली बार प्रदेश के मुरैना संसदीय क्षेत्र से वर्ष 2009 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वे इसके पहले प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे। तोमर इस बार ग्वालियर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं। एट है श्री रविशंकर प्रसाद। कानून एवं न्याय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। वे वर्षों तक भाजपा की युवा शाखा तथा पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर के उत्तरदायित्व संभालते रहे हैं। सन 2000 में वे सांसद बने और सन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला एवं खान राज्य मंत्री रहे। 1 जुलाई 2002 को प्रसाद को विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त भार दिया गया। नौवीं है श्रीमती हरिसिमरत कौर बादल। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। वे भटिंडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2009 से लगातार 15वीं बार 16वीं लोकसभा की सांसद हैं। वे शिरोमणि अकाली दल की सदस्य और पंजाब के पूर्व उपमंत्री सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं। टेंथ हैं श्री थावर चंद गहलोत। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री। गहलोत ने साहित्य हित विद्यायनी के लिए लेख लिखकर उसमें योगदान दिया, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा प्रकाशित एक त्रिमासिक पत्रिका विद्यायनी है। बाला समाज नामक संगठन के माध्यम से गहलोत शोषित वर्गों के लिए काम करते हैं। 11th डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। विदेश मंत्री। यह 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए, 1979 में रूसी अध्ययन किया और 1981 में मॉस्को में सोवियत संघ के लिए द्वितीय और तीसरे सचिव के रूप में कार्य किया। 1985 से 1988 में वह वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव थे। श्री रमेश पोखरियाल निशंक। मानव संसाधन विकास मंत्री। वे उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता हैं और एक हिंदी कवि भी हैं। वे वर्तमान समय में हरिद्वार क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं और लोकसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष। रमेश पोखरियाल जी उत्तराखंड राज्य के पांचवें मुख्यमंत्री रहे हैं। 13 श्री अर्जुन मुंडा। जनजातीय कार्य मंत्री। अर्जुन मुंडा झारखंड प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महज 35 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री पद को संभालने वाले अर्जुन मुंडा के नाम देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। 14 श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री। वर्ष 2011 में वे गुजरात से राज्यसभा की सांसद चुनी गई। इसी वर्ष इनको हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चे की भी कमान सौंप दी गई। 2014 में स्मृति ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी नेता विश्वास के खिलाफ अमेठी संसदीय सीट से चुनाव लड़ा। उन्हें कड़ी चुनौती दी, यद्यपि वो यह चुनाव हार गई, लेकिन राज्यसभा की सदस्य होने के नाते उन्हें भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं
और पृथ्वी विज्ञान मंत्री। डॉक्टर हर्षवर्धन पेशे से नाक कान और गले के रोगों के चिकित्सक हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1993 से 1998 के दौरान इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री और शिक्षा मंत्री सहित राज्य मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर कार्य किया। हर्षवर्धन दिल्ली विधानसभा चुनाव के इतिहास में कभी नहीं हारे। 16 श्री प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। इन्हें 2008 में महाराष्ट्र से सांसद के एक सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया था और 2014 में मध्य प्रदेश से फिर से निर्वाचित किया गया। 2014 भारतीय आम चुनाव में आम भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया गया था। 17 श्री पीयूष गोयल। रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। पीयूष गोयल एक भारतीय जनता पार्टी के राजनेता और भारत के वर्तमान रेल मंत्री और कोयला मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख मंत्री हैं। वे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय वेद प्रकाश गोयल के पुत्र हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजमेंट कॉन्सलेट हैं। 18 श्री धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री। पिछली मोदी सरकार में वे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी थे। मार्च 2018 में प्रधान मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। प्रधान 14वीं लोकसभा में उड़ीसा के देवगढ़ से सांसद चुने गए। श्री धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा की 12वीं विधानसभा 2000 से 2004 में पल्ला हारा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वह एबीपी के सदस्य भी हैं एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के पुत्र हैं। 19 श्री मुख्तार अब्बास नकवी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। 1998 में रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। यह पहली बार हुआ था कि कोई मुस्लिम चेहरा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनकर पहली बार सांसद तक पहुंचा था। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री भी बन गए थे। वह दो किताबें स्याह और दंगा भी लिख चुके हैं। 20 श्री प्रहलाद जोशी। संसदीय कार्य कोयला और खान मंत्री। कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से जीतकर सदन पहुंचे प्रहलाद जोशी को कैबिनेट मंत्रालय मिला है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में प्रहलाद जोशी को मंत्रालय दिया जाने की चर्चाएं पहले से चल रही थी। वह धारवाड़ सीट से 4 बार सांसद रहे हैं। 21 डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। महेंद्रनाथ पांडे भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद हैं। 2014 के चुनावों में वे उत्तर प्रदेश की चंदौली सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए। पुनः 2019 में 17वीं लोकसभा में चंदौली से दोबारा सांसद बने हैं। 22 श्री अरविंद गणपत सामंत। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री। 14 अगस्त 2014 प्राकलन समिति के सदस्य चुने गए थे। 1 सितंबर 2014 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत
परामर्श समिति के सदस्य चुने गए। 23 श्री गिरिराज सिंह। पशुपालन दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह भारत के लोकसभा तथा 17वीं लोकसभा के सांसद रहे। 2014 के चुनावों में इन्होंने बिहार की नवादा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते। केंद्र में राज्य मंत्री रहे। 2019 में पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को हराकर सांसद पहुंचने वाले गिरिराज सिंह केंद्र में दोबारा मंत्री बने। 24 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्री सांसद शेखावत ने जोधपुर के जयनारायण व्यास विद्यालय में वर्ष 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। दर्शन शास्त्र में एमए सांसद प्रखर वक्ता हैं। उन्होंने अनेक वाद विवाद प्रतियोगियों में विवि का प्रतिनिधित्व किया। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। ये बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए वीडियो को देखिए और शेयर करिए। लोगों को और भी ज़्यादा इससे पता चलेगा कि इस टाइम क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हैं इस टाइम, क्या कौन सा मंत्री किस पद पे बैठे हुए हैं। इस जानकारी से आपके जो एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी अच्छा हद तक काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। कॉन्टेस्ट से जुड़े रहिए और कॉन्टेस्ट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।